वेलकम टू आवर चैनल टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यू पी पी सी एस प्री टू थाउजेंड ट्वेंटी क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और इसका सेकेंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट में हमने सेवेंटी फाइव क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसका लिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में मिल जाएगा और सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं आज की वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे लास्ट वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई थी तो इसमें क्वेश्चंस को मैं फास्ट तरीके से आपको दिखाऊंगा स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी सिक्स नंबर तो इसमें पूछा गया कि डार्लिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में किस तट पर किस कोस्ट पर सिचुएटेड है तो साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर यह सिचुएटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इनको अरेंज करना है क्रोनिलॉजिकल ऑर्डर में जैसे ये फेमस है प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो थर्ड नंबर यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये 1972 में आया था उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में देन प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 में और उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है ये सबसे लास्ट में 2002 में ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करेंट यानी जो महासागरीय धारा होती है उसमें पूछा गया कौन सी इंडियन ओशन से रिलेटेड है हिंद महासागर से रिलेटेड जो है वो अगलुहास धारा जो है हिंद महासागर से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी नाइन नंबर और इसमें पूछा गया द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोलॉजिकल सिस्टम इकोसिस्टम इज कॉल्ड यानी एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है बायो केमिकल साइकिल कहलाता है नेक्स्ट है एथेनिक ग्रुप्स दिए हुए हैं और उनको उनकी कंट्री से मैच करना है तो फर्स्ट देखते हैं जूस यानी यहूदी बोलते हैं जूस और ये इनका संबंध इज़राइल से है जो आप अभी देख रहे हो इज़राइल और फिलिस्तीन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ युद्ध की स्थिति है तो जूस ध्यान रखेंगे यानी यहूदी वो कहाँ से संबंधित इज़राइल से संबंधित है टेडा लीबिया से संबंधित है बीज बीजा या बेजा बेजा जो है इजिप्ट से ठीक है और लुर लुर जो है ईरान से संबंधित है तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मिट्टी बचाओ आंदोलन भारत में कहां से स्टार्ट हुआ था तो दरभंगा बिहार से स्टार्ट हुआ था ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से करेक्ट मैच नहीं है ठीक है तो कंट्री को मैच करना है उसकी कैपिटल से तीन तो ठीक है मोरक्को की रबात है ट्यूनेशिया की ट्यूनिस है अल्जीरिया की अल्जीरिया है और केप बर्डे केप बर्डे की केप बर्डे ही कैपिटल है बमाको जो है माली की यानी अफ्रीका में एक कम कंट्री है माले उसकी कैपिटल है बमाको तो ये वाला जो डी ऑप्शन है ये गलत है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ना हो तो हमारे अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा तो ये माइनस एटीन डिग्री सेंटीग्रेड में चला जाएगा ठीक है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ना हो तो हमारा जो अर्थ का सरफेस है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा माइनस एटीन डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जगह पूछी है और साउथ अफ्रीका में है पोस्ट मास बुर्ग पोस्ट मास बुर्ग और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो किस लिए फेमस है तो मैग्नीज के उत्पादन के लिए फेमस है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एंटायर ऑफ कम्युनिटीज कम्युनिटीजली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड मतलब समुदायों का पूर्ण क्रम एक निश्चित स्थान पर जो बदलता है उसे क्या कहते हैं सीयर कहते हैं सीयर ठीक है नेक्स्ट है माउंटेन है और उनको कंट्री से आ, मैच करना है तो एटलस माउंटेन जो है मोरक्को में है यानी अफ्रीका में नेक्स्ट है कली मंजारो तो कली मंजारो जो है ये तंजानिया में है अफ्रीका में ही है चिम्बराजो चिबराजो एक्वाडोर में हैं और पायरेनीस पायरेनीस जो है ये फ्रांस और स्पेन में पड़ता है दो कंट्रीज से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स कि कौन सा नेचुरल सब स्टांस है जिसमें आयरन होता है तो मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन जो है एक पदार्थ है जिसमें आयरन होता है बाकी क्लोरोफिल कोलेजन केराटिन इसमें आयरन नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट है मलेशिया में किंटा वैली किस लिए फेमस है तो टिन के प्रोडक्शन के लिए किंटा वैली फेमस है मलेशिया में है ये चीज ध्यान रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन द बेस सिक्वेंस विद इन ए जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन कहा जाता है जीन के भीतर अनुक्रम आधार में अगर परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है थोड़ा स्कैनिंग में प्रॉब्लम हुई है थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है ये बट मैं आपको बताता जा रहा हूँ इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है नेक्स्ट है इक्वेटर जो है हमारी भूमध्य रेखा जो है इनमें से किस कंट्री से होकर नहीं गुजरती है ठीक है तो इक्वेटोरियल गुनिया और रवांडा ये दो यहाँ पर ऑप्शन है जिनसे होकर नहीं गुजरती है सोमालिया और गैबोन इन दो कंट्रीज से होकर भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर जो है गुजरती है लाइन ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन फायर अलार्म यानी फायर अलार्म जो हमारा होता है उसमें किस तरह की सेल का प्रयोग किया जाता है तो फोटो सेल का यूज किया जाता है ठीक है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज सिस्टम तो पंचायती राज किस में है ये चीजें तो हमें एकदम हमारी जवान पे होनी चाहिए कि देखते ही बता देना पंचायती राज किसमें है नाइन्थ में है ठीक है किस पार्ट में है नाइन्थ में और नाइन्थ ए में क्या है मुन्सिपालिटीज यानी नगर पालिकाएं हैं और ये 73 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को भारत के संविधान में इंक्लूड किया गया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीमर इनमें से कौन सा पॉलीमर एक थर्मोप्लास्ट नहीं है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है निय नियोप्रीन. नियोप्रीन जो बहुलक है वो एक थर्मोप्लास्ट नहीं है बाकी ये तीनों जैसे टेफलॉन पॉलीस्टरीन और पॉलीथीन ये तीनों ही क्या है पॉलीमर जो है थर्मोप्लास्ट है नेक्स्ट है इंडियन फेडरल सिस्टम में थर्ड टीयर कब एड हुआ ये अभी जो ऊपर क्वेश्चन था उसी का एक पार्ट है ठीक है तृतीय तल क्योंकि हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं फिर स्टेट देखते हैं उसके बाद क्या है जो लोकल गवर्नमेंट है यानी पंचायत और नगर पालिका तो सेवेंटी अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का 1992 उसमें इसको इंक्लूड किया गया था ठीक है नेक्स्ट देखते हैं सॉरी एक बार आगे चला गया थोड़ा इसको दोबारा पीछे लाता हूं तो पंचायती राज जो सिस्टम है हमारा उसके बारे में मैं बता रहा था आपको कि वो कब पंचायती राज सिस्टम कब लाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में तिहत्तरवा संविधान संशोधन था टायर टू इंडियन फेडरल सिस्टम कब है 1992 अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है कि जो मानव की बॉडी है ह्यूमन बॉडी उसमें डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ से शुरू होता है किस ऑर्गन से तो इसका करेक्ट आंसर होगा इस्टमक यानी अमाशय से जो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है वो किस अंग से प्रारंभ होता है अमाश यानी स्टमक से होता है नेक्स्ट है क्वेश्चन

और राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करना उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना ये सब क्या है आर्टिकल थ्री के अंतर्गत आता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हम पॉलिस्ट राइस होता है अगर पॉलिस्ट राइस जो है उसको खाया जाए तो उससे कौन सी डिसीज हो जाती है शरीर में तो उसका करेक्ट आंसर होगा बैरी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द द फॉलोइंग ऑफिशियल डज डज नॉट पार्लियामेंट नॉट प्ले एनी रोल यानी कौन सा जो ऑफिशियल्स हैं उनको हटाने में पार्लियामेंट का कोई भी रोल नहीं होता है तो देखो आपने अगर यूपीएससी के बारे में पता हो तो यूपीएससी के जो चेयरमैन को हटाया जाता है उसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बैठाता है और वो उनको रिकमेंड करते हैं कि इन्होंने कोई करप्शन किया है भ्रष्टाचार किया है नहीं किया है तो वो जो कमेटी रिकमेंडेशन देगी सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट उसी बेसिस पर उनको चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को हटा सकती है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ओनली थ्री होगा नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन रिलेटेड uh, होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड कॉग से यानी रक्त के जमने से कौन सा जिम्मेदार जो विटामिन है वो है विटामिन के ठीक है है नेक्स्ट द सुप्रीटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत आर वेस्टेड इन तो देखो पंचायतों के से संबंधित जो भी इलेक्शन होता है वो उसके करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नहीं होती है उसकी जिम्मेदारी होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन ये स्टेटमेंट जो है मानव ब्रेन से संबंधित हैं यानी ह्यूमन ब्रेन मस्तिष्क से संबंधित हैं कौन सा करेक्ट है ठीक है तो इसमें बताया गया है कि ब्रेन जो है हार्ट बीट्स को रेगुलेट करता है फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ब्रेन है हमारा वो हार्ट बीट को रेगुलेट करता है ठीक है ये तो करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी को बैलेंस करने के लिए भी कौन क्या कौन जिम्मेदार है ब्रेन होता है दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट कहा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं यू पी पी सी एस ने इसका जो भी आंसर दिया था वो गलत दिया था ठीक तो है तो चारों ही करेक्ट है इंटर स्टेट जो काउंसिल होती है वो रिलेटेड है आर्टिकल नंबर टू सिक्सटी थ्री से फाइनेंस कमीशन आर्टिकल टू एट्टी में है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री ए में है यूपीएससी जो है आर्टिकल थ्री फिफ्टीन में है नेक्स्ट आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टेन फ्रॉम ए टी मतलब हमें बताना है कि इन तीनों में से चारों ऑप्शन में से कौन सा पेड़ से मिलता है हमें तो इसका करेक्ट आंसर होगा हींग नॉर्मली घर में हम खाना पकाने में जो यूज करते हैं ऐसा फोटिया ठीक है यानी हींग तो वो हम किससे प्राप्त करते हैं वृक्ष से यानी ट्री से प्राप्त किया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किस आर्टिकल में है तो इनमें से किसी में से नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर डी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनवर्ड सुगर इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज ठीक है तो इसमें स्टेटमेंट इस और जो हमारा रीज़न है वो दोनों ही सही हैं लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं ठीक है इन्वर्ट सुगर के बारे में इसमें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन आजकल इतने टफ पूछ रहा है कि पहले तो नॉर्मली क्या पूछ लेता था प्रेसिडेंट का सिक्वेंस पूछ लेता था वाइस प्रेसिडेंट का पूछता था लेकिन आजकल तो जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज हैं उनके जो चेयरपर्सनस रहे हैं उनके सिक्वेंस भी पूछ लेता है तो हम देख लेंगे इसमें ये नेशनल वुमेन कमीशन जो है उसकी चेयरपर्सन्स हैं उनका सिक्वेंस हमें लगाना है तो इसमें सबसे पहले जयंती पटनायक उसके बाद डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी फिर गिरजा व्यास और लास्ट ममता शर्मा मुझे तो लास्ट में ममता शर्मा ही याद है जहाँ तक है ठीक है उसके बाद हमें इसके सी और डी में से एलिमिनेट करना पड़ेगा एक उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मेटल है उसकी प्रॉपर्टी है उसको मैच करना है, तो सोडियम जो है सोडियम को इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है और उसके अकॉर्डिंग पहला जो है सोडियम सोडियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं मरकरी जो है लिक्विड में रहता है एट रूम टेम्परेचर पर सिल्वर जो है गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेड का जो यूज होता है पोर कंडक्टर ऑफ हीट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आर्टिकल नंबर 371 जे हैदराबाद एंड कर्नाटक तो ये एक 98 अमेंडमेंट हुआ था 98 अमेंडमेंट 2012 में उसमें ये हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र है ठीक है उस गवर्नर को स्पेशल पावर्स दी गई थी ठीक है तो कर्नाटका स्टेट की बात नहीं है ये मतलब एक एरिया है हैदराबाद कर्नाटक एरिया ठीक है उसमें स्पेशल पावर्स दी गई थी गवर्नर को जो आर्टिकल थ्री वन जे के अंतर्गत आता है तो नाइन्टी एट अमेंडमेंट के द्वारा ये किया गया था ये आपको ध्यान रखना है ठीक है कि इनमें से कौन सा सबस्टेंस यानी कृत्रिम पदार्थ नहीं है तो फाइब्राइन जो है वो कृत्रिम यानी सिंथेटिक पदार्थ नहीं है नेक्स्ट आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड देखो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है फोर्थ ए में ही है स्टेट जो है पार्ट uh, सिक्स है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट फाइव में आता है ठीक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी पार्ट हमारा फिफ्थ में आता है सर्विस अंडर यूनियन और स्टेट ये जो है राज्य के अधीन सेवाएं ये भी हमारा करेक्टली मैच है तो इसमें जो करेक्टली मैच नहीं है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है नेक्स्ट देखते हैं सबस्टेंस और उसका क्या यूज़ है ब्लू बिट्रॉल ये फंगीसाइड है एक योसिन रेड इंक होती है सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन्स से रिलेटेड रे 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 है और जिंक फॉस्फाइड रोडेंट साइड होता है ठीक है नेक्स्ट है सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है लार्जेस्ट कमेटी होती है एस्टिमेट कमेटी प्राकलन समिति जिसमें थर्टी मेंबर्स होते हैं नेक्स्ट है करंट का क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया 2019-20 में उत्तर प्रदेश किस ग्रुप में किस कैटेगरी में रखा गया परफॉर्मर में रखा गया अच्छा प्रदर्शन किया है ठीक है नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजन शिप यानी नागरिकता से संबंधित कौन सा है आर्टिकल फाइव से लेके इलेवन तक नेक्स्ट है हृदय जो योजना है उत्तर प्रदेश में कौन कौन से शहर उसमें शामिल हैं तो दो शहर हैं वाराणसी और मथुरा नेक्स्ट है कथन है और कारण है ठीक है तो फर्स्ट दिया है कि नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो कॉन्टिन्यूटी और चेंज रखता है ये मतलब इसकी नेचर में पाए जाते हैं सेकंड है रीजन द इंडियन पोलिटिकल सिस्टम कंटेन्स एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग पोलिटिकल सिस्टम मॉडर्न स्टाइल द ट्रेडिशनल स्टाइल सेंट स्टाइल तो इसमें बताया गया कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इंडियन पोलिटिकल सिस्टम में समाहित है मतलब इंक्लूड है ठीक है तो एक सौ सो सोलह जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए यानि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और जो है रीजन भी इसको वैलिड करता है आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल फर्टिलिटी फर्टिलिटी रेट तो रिप्लेसमेंट लेवल पूछा है कि रिप्लेसमेंट लेवल कब आएगा टीएफआर ठीक है तो वो टू पॉइंट वन नेक्स्ट है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद में किसी राज्य में किसी राज्य में जो मंत्री परिषद बनेगी उसमें कम से कम मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए और चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करके तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12 ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया मतलब गरीबी का मूल्यांकन जब किया जाता है विधियों का तब उसमें क्या है कि कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं तो हेड काउंट रेशो होता है कैलोरी इनटेक होता है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होता है इसमें पर कैपिटल इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है नेक्स्ट 120 नंबर क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कंसेप्ट कब दिया गया था किस केस में केशवानंद भारती केस था 1973 में नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना से संबंधित है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो इसमें यह कहा गया है कि भाई ये योजना फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है फाइव लाख रुपए पर पर्सन नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है कि स्टेट सेंटर और स्टेट में सिक्सटी और फोर्टी का रेशो रहता है तो इसका करेक्ट आंसर है दो यानी दूसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट है फर्स्ट नहीं है नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि जो आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनको मैच करना है और जो मैच नहीं होता है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा तो आर्टिकल नंबर फोर्टी एट फोर्टी एट जो है वो एग्रीकल्चर और एनिमल हसबेंड्री से संबंधित है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये आर्टिकल फिफ्टी से है तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं आर्टिकल नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री सस्टेनेबल टूरिज़्म का मेन मोटिव क्या है तो इसका सीधा सा मोटिव है आप पढ़ सकते हैं इसमें टू मैनेज टूरिज्म इन्वायरमेंट वाइल मेंटेनिंग कल्चर कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस ठीक है तो मतलब हमें जो भी टूरिज़्म आजकल चल रहा है ना कि टूरिज़्म ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे जैसे अब हम केदारनाथ में देखते हैं इतनी भयंकर बाढ़ आई थी है ना और सब तहस नहस हो गया था तो वो क्या है इसीलिए हम टूरिज्म डेवलपमेंट करें लेकिन जो नेचुरल पावर्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ ना की जाए उसको ध्यान में रखते हुए सीधा सा मतलब इसका ये है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में क्या ठीक है द अपॉइंट अपॉइंटेड पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज अपॉइंट मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो योग्यता रखता है उसी को प्रेसिडेंट जो है एजीआई यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट करता है ठीक है और नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट है कि अटॉर्नी जनरल को सैलरी कितनी मिलेगी जो पार्लियामेंट डिसाइड करिए लेकिन ये क्या है करेक्ट नहीं है क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके बराबर सैलरी दी जाती है ठीक है नेक्स्ट है हौसला स्कीम यानी करंट अफेयर से रिलेटेड है 2018 में ऑर्गेनाइज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था इस uh, हौसला को है, ठीक है नेक्स्ट है इट वाज ए नेशनल फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन दोनों स्टेटमेंट ठीक है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था ये आप देख लें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारत का फेडरलिज्म है यानी भारत को क्वासी फेडरल सिस्टम कहते हैं बहुत रिपीटेड क्वेश्चन ये ठीक है तरह तरह से इसको पूछ लेते हैं नेक्स्ट है इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है और उसको जुडिशल रिव्यू का राइट है दोनों ही करेक्ट है बट क्वासी फेडरल है इसको ये रीजन जस्टिफाई नहीं करता है कि भाई केवल Uh, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है इसलिए हम हम इसको क्वासी फेडरल बोल सकते हैं भारत को तो ये स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं लेकिन इनका जो है एक्सप्लेनेशन नहीं करता फर्स्ट का ये फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य है 2024 तक है ठीक है नेक्स्ट है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा राज्यसभा किस बिल के लिए देखो मनी बिल नहीं होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए क्या होता है दोनों ही हाउस का परमिशन बहुत जरूरी होता है यानी लोकसभा का भी और राज्यसभा सभा का भी ठीक है तो इसीलिए ऑर्डिनरी जो बिल होते हैं उन पर ही ज्वाइंट शिटिंग बुलाई जा सकती है नेक्स्ट है एच जो है एच पी आई ह्यूमन पॉवर्टी डेक्स ठीक है तो इसको रिप्लेस कब किया गया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से 2010 में नेक्स्ट है कुछ एक्ट है तो इसमें यह बताया गया कि गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है लॉकडाउन के टाइम पे किस एक्ट से मिली थी तो दो एक्ट हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 उसके थ्रू और दूसरा है एपेडमिक डिसीज एक्ट 1897 इन दो के जरिए ही लॉकडाउन लगाने की और जो भी कानूनी कार्रवाई करनी थी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को पावर इन दो एक्ट से मिली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एन 2020 और 30 के लिए लॉन्च की गई थी ठीक है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इंफ्रास्ट्रक्चर सभी को प्रोवाइड करवाना लेकिन इसका ये जो रीजन है ये गलत आ, सही है और जो कथन है वो इसका गलत है तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा नेक्स्ट है आर्टिकल है उसको प्रोविजन मैच करना है तो आर्टिकल सिक्सटी वन क्या है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड होता सिक्सटी सेवन बी है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नाइन्टी फोर है रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड नाइन्टी है रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड तो आप देख लेंगे कि 2019 में भारत का 77 स्थान था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो ये करेक्ट है ठीक है नेशनल फ्लैग यानी हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है वो कब अपनाया गया था वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट में कॉरपोरेशन कॉरपोरेट बॉन्ड जो है उसमें लिमिट को कितना बढ़ा दिया गया 15 परसेंट तक नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहां पर सिचुएटेड है तो लखनऊ में ठीक है नेक्स्ट कुछ स्कीम है उसको हमें मैच करना है कि कब कब लॉन्च हुई थी तो फर्स्ट स्कीम है पीएम जन आरोग्य अभियान तो ये 2018 में लॉन्च की गई थी पीएम एम वंदना योजना 2017 में और पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना ये 2015 में स्वच्छ भारत अभियान 2014 में लॉन्च किया गया था तो इसमें दो तो हम वैसे भी एलिमिनेट कर देंगे स्वच्छ भारत अभियान तो लगभग याद ही रहता ही है कि 2014 में न्यू गवर्नमेंट आई थी तभी ये लॉन्च किया गया था ठीक है नेक्स्ट एक पूछा गया द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिस ये लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज होती हैं उन पर ध्यान रखता है तो ये जो ऑफिस है ये किसके अंडरगत under तो हमें मिलती है वो प्राकृतिक रूप से कौन सी इसमें वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस नहीं है ठीक है ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमोस्फेयर तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है नेशनल पेंशन स्कीम जो स्टार्ट की गई थी रिटेल ट्रेडर्स के लिए शॉपकीपर्स के लिए उसमें से कौन सा एक करेक्ट नहीं है तीन स्टेटमेंट करेक्ट है एक करेक्ट नहीं है नेशनल पेंशन स्कीम क्योंकि जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इम्प्लाई होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के इम्प्लाईज भी इसको एडोप्ट कर सकते हैं तो नेशनल पेंशन स्कीम उससे रिलेटेड होती है इसलिए यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो ये जो है करेक्ट मैच नहीं है इसका सी नेक्स्ट है निधि योजना के बारे में है ठीक है तो निधि योजना क्या है निधि योजना जो है छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया ठीक है और इसका उद्देश्य था 20 स्टूडेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट करना प्रत्येक वर्ष यानी ईच ईयर में ठीक है तो दोनों ही करेक्ट है इसके नेक्स्ट है कि जनरली एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरीज एनवायरनमेंट को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है जिसमें से इन चारों ऑप्शन में से एक कौन सा ऑप्शन है जो इस कैटेगरी में नहीं आता तो फिजिकल होता है कल्चरल होता है बायोलॉजिकल होता है लेकिन ऑपरेशनल इन्वायरमेंट नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट यूनियन बजट से ही क्वेश्चन पूछा गया अब ये पुराना हो गया इस बार का जो बजट आएगा उसमें हम चीजों को ध्यान रखना यानी बजट से भी एक दो क्वेश्चन आते ही है कंसेप्ट पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन ये किसने दिया था किसने बेनेट ने बेनेट के द्वारा इकोलॉजिकल ट्रांजिशन जो मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको दिखाया था कि बहुत सारे टर्म हैं जो आजकल यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो, तो जो टर्म है उनको भी आपको याद रखना है द ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कौन रिलीज करता है तो डब्ल्यू -E यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट क्या है बताइए ये अब बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है ठीक है तो इसको आप देख लेना राइज ऑफ सी लेवल मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर स्प्रेड ऑफ डिसीज ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ ये सभी इंक्लूड होते हैं इम्पैक्ट में ग्लोबल वार्मिंग के नेक्स्ट है हमें कुछ चीजें क्रॉन ऑर्डर में लगानी है ठीक है तो सबसे पहले देखेंगे आरआरबी बने थे इस्टेब्लिश्ड हुए थे फिर फर्स्ट देख लेंगे नावार्ड इस्टैब्लिश हुआ था उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप था उनको बैंकों से लिंक किया गया था और किसान क्रेडिट कार्ड प्लान किसान क्रेडिट कार्ड जो है नाइनटीन नाइनटी एट में आया था तो अगर मैं देखूं तो सबसे लास्ट में एक आइडिया मैं लगा सकता हूं थर्ड ऑप्शन है सीधा सीधा ए इसका ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि थर्ड लास्ट में किस में आया है ए ऑप्शन में ही आया है। तो इस तरह से हम एक आईडी से भी इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं तो इसको भी क्रॉनिक लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं ये ठीक है तो आप इनको देख सकते हो चारों ऑप्शन को और उसके अकॉर्डिंग आप करेक्ट मैच यहाँ पर कर सकते हैं नेक्स्ट है स्किल इंडिया से रिलेटेड है ये भी करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है नेशनल चंबल यानी राष्ट्रीय चंबल जो अभ्यारण है वो किस प्रदेश का हिस्सा नहीं है तो चंबल जो है अभ्यारण ये राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है हरियाणा इसका पार्ट नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हरियाणा तो ये थी आज की वीडियो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे और आपके काम आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड नाइट